अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है हिना किचन एंड व्लॉग्स में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मेरा बर्थडे है। आज 27 अप्रैल है और 2023। तो आज मैं बाहर भी आउटिंग के लिए भी जा रही हूँ बर्थडे के लिए, और उसके बाद मैं आगे और भी दिखाऊंगी क्या क्या कर रही हूँ और कहाँ कहाँ जा रही हूँ, मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं 27 अप्रैल है और मैं बाहर निकल चुकी हूँ, अपनी मम्मी के संग मैं बाहर निकली हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा बाहर का व्यू है। ये प्रिंसेप घाट है, तो देखिए यहाँ प्रिंसेप घाट लिखा हुआ भी है। तो अभी बहुत ही अच्छा व्यू, अभी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है। और देखिए कुछ देर के बाद हम न्यू मार्केट पहुंच चुके हैं और ये दिन का वक्त है। दिन के वक्त बहुत ही खाली खाली था, बिकॉज़ इतना गर्मी के वक्त है ना, इसलिए कोई ज़्यादा दिखा नहीं, बहुत ही कम लोग वहाँ पर थे। तो मैंने यार अपनी मम्मी के संग मैं गई। देखिए बहुत खाली खाली है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यू मार्केट तो न्यू मार्केट होता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, यहाँ पर खाने का आइटम्स है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा। तो मेन रोड से होते हुए हमने मेन रोड में हमने उतरा, उसके बाद फिर एंटर करते करते हमने न्यू मार्केट पहुँच गए। तो देखिए यहाँ पर कितना सारा सॉफ्ट टॉयज़ भी है, बहुत बड़ा बड़ा सॉफ्ट टॉयज़ है। यहाँ पर खाने का भी चीज़ है, बहुत सारे यहाँ पर वैरायटीज़ आपको मिलेंगे, वेज नॉन वेज, KFC, बरिस्ता, वाह मोमोज़ आपको सब मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक्स मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ही बहुत सारे सामान मिलेंगे। तो चलिए आज जैसे कि आज बर्थडे है, तो चलिए कुछ खाना तो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार तो ज़रूरी है। तो चलिए मैंने डोमिनोज़ में चल गई और अब मैं काउंटर में आ चुकी हूँ कि चलिए कुछ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया जाए। और जब बर्थडे का दिन कुछ इंटरेस्टिंग खाना और घूमना नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट कुछ हुआ नहीं तो वैसा थोड़ी हो सकता है, इसलिए मैंने ऑर्डर करके मैं बाहर निकली कि चलें वाव मोमो में ज़रा देख ले क्या है नहीं है कि कुछ। तो यहाँ पर वाव मोमो में आपको कॉम्बोज और बहुत सारा वैरायटी का आपको वाव मोमो मिलेगा। तो देखिए ये सारा मेन्यू था, कॉम्बोज था और बहुत सारा अभी को ऑफर्स निकला हुआ था। तो मैं चेक करके चल गई कि मैं घर के लिए मैं बाद में लूँगी। तो अभी मैं सोची कि चलो जब तक ऑर्डर हो रहा है तो थोड़ा सा देख लिया जाए यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या आइटम्स है यहाँ पर। तो मैं उसके बाद KFC एंटर की। आज दिन के वक्त बहुत जल्दी हम निकल चुके थे बाहर, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़ोरों का भूख लगा हुआ है, तो चलिए KFC जब तक डोमिनोज़ में ऑर्डर देकर वेट हो रहा है तब तक मैंने KFC में ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद देखिए हमारा स्नैक्स रेडी हो चुका है, KFC और पॉपकॉर्न्स एंड ऑल सब था। उसके बाद वहाँ से मैं निकली, तो देखिए यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया और ये सारा पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया था, वही सब पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो देखिए एक मैंने ये वाला जो मैंने लिया था ये नॉन वेज लोडेड था, और एक जो मैंने लिया था वो था पेरी पेरी बारबेक्यू चिकन, बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही यम्मी था। मैंने सोचा आप लोगों के संग शेयर करूँ, देखिए कितना मज़ेदार था। उसके बाद हमने बाहर निकला कि चलिए दुपट्टा बहुत सारा यहाँ पर मिलता है, बहुत डिज़ाइन का मिलता है, बहुत अलग अलग टाइप्स का आपको मिल सकता है यहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ से भी आके शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत दुपट्टा मिलेगा यहाँ पर ट्रेंड्स का। यहाँ पर ही बहुत बहुत बड़ा शोरूम है, यहाँ पर ट्रेंड्स में भी बहुत सारे कपड़े मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर का बहुत ही ज़्यादा फेमस है सॉफ्टी, ₹15 ओनली, बहुत ही मज़ेदार, जो आता है यहाँ पर सॉफ्टी ज़रूर खाता है। तो हमने भी सॉफ्टी लिया, गर्मी का वक्त था तो सॉफ्टी खाकर मज़ा ही आ गया। उसके बाद वहाँ से स्ट्रीट देखने से आपको न्यू मार्केट दिखता है, न्यू मार्केट वहाँ पर अब बड़ा सा लिखा हुआ है। उसके बाद वहाँ से हमने राइट टर्न लिया, वहाँ पर आपको जाने से यहाँ पर आपको बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन का बैग्स मिलेगा, ज्वेलरीज मिलेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर बहुत सारे कपड़े मिलेंगे, देखिए कॉस्मेटिक आइटम्स भी मिलेगा आपको, वहाँ से चाहे तो आप कॉस्मेटिक्स ले सकते हैं, दुपट्टा, स्टोल, आपको अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप्स के आपको सब टाइप्स के मिलेंगे। अब वहाँ से जैसे अंदर एंटर करते जाइएगा वहाँ पर आपको बहुत सारा देखिए बैग्स मिलेगा, बड़ा छोटा, हैंड बैग्स, स्लिंग्स सब मिलेगा आपको, लगेज मिलेगा, स्कूल बैग्स मिलेगा आपको, बहुत सारा
इसलिए आप वहाँ ज़रूर से ट्राई करें, ज़रूर से वहाँ जाए और आप वहाँ पर इंजॉय भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही बाज़ार कोलकाता के सामने भी यहाँ पर बहुत सारा बैग्स लगा कर थे, वहाँ पर बैग, ज्वेलरीज, कान का ईयर रिंग्स, बैंगल्स, बहुत सारे आइटम्स कि आपको मैं क्या क्या डिस्क्राइब करूँ। वहाँ पर जाना और एक बार वहाँ से पर जाकर विज़िट करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको कम दाम में भी और बहुत सारा आपको आपकी पसंद लाइक आपको बहुत सारे वैरायटीज़ भी मिलेंगे। यहाँ पर से फिर वापस हम यू टर्न लेकर वापस आ रहे थे, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको बहुत सारा क्लिप्स, क्लचेस, नेकलेस, बैंगल्स आपको सब टाइप के यहाँ पर मिलेंगे। आप जो चाहेंगे वो यहाँ पर छोटे से छोटे चीज़, बड़े से बड़े चीज़ बहुत ही कम प्राइस में भी मिल जाएंगे। तो देखिए ये पकौड़ा जिसे कहते हैं छोटे छोटे दाल का, ये होता है, ये दाल का फ्राई करके सेल करते हैं। ये हमने लिया, पीछे लिए थोड़ा सा कुछ स्नैक्स हो जाए क्योंकि घूमते घूमते 4 बज चुका था और हम घर से निकले हुए 1 बजे का निकले हुए थे क्योंकि एक और जगह जाना था, वहाँ का भी व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, आप वहाँ का भी देखिएगा। हम वहाँ चांदनी गए थे, कुछ काम से गए थे, क्या क्या काम से गए थे वो सारा आपको व्लॉग में दिखेगा, वो भी आपको बहुत जल्दी आपको वो भी व्लॉग मिलेगा। तो देखिए यहाँ भी बहुत सारे बैग्स आइटम से जो आप न्यू मार्केट देखिए, या न्यू मार्केट आपको दिखेगा, न्यू मार्केट से आप राइट जाइएगा, वहाँ पर देखिए न्यू मार्केट बहुत बड़ा लिखा हुआ है, राइट जाइएगा तो आपको बहुत सारा वहाँ पर वैरायटीज मिलेंगे। उसके बाद हमने लेफ्ट लिया, मतलब वहाँ से मैंने स्ट्रेट वहाँ से आए, तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा आइटम्स है। यहाँ पर कपड़े हैं, बैंगल्स है, बैग्स है, छोटे बैग्स हैं, बड़े बैग्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे बैग्स हैं। ये रेड कलर का बिल्डिंग है, इसके सामने आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे। सॉफ्ट टॉयज़ भी यहाँ पर है, बच्चों के लिए बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं। ये सारे जो शॉप है उसके आप लेफ्ट साइड में, मतलब ऑपोजिट साइड में देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े चप्पल का भी शोरूम है, वहाँ पर भी आपको चप्पल बहुत सारे डिज़ाइन के मिल जाएंगे। शादी में जाने वाला चप्पल भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक अंकल का शॉप था, यहाँ पर ही बहुत सारा यहाँ पर इनके पास ज्वेलरीज था, बहुत सारे प्यारे प्यारे थे। इन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप कुछ बैंगल ले लो, आपका हाथ खाली है, तो मैंने बोला मेरे पास बैंगल्स है इसलिए वहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिया। उसके बाद वहाँ से जब आगे जा रहे थे तो देखिए यहाँ पर फ्रॉक मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक मिल रहा था। तो देखिए यहाँ पर बहुत अलग अलग डिज़ाइन का भी फ्रॉक था। उसके बाद हम श्रीराम आर्किड, ये आपको सिटी मार्ट के ऑपोजिट में ही आप श्रीराम आर्किड देखेंगे, जहाँ मैंने KFC दिखाया वहीं पर श्रीराम आर्किड है। ये श्रीराम आर्किड के अंदर जाइएगा, यहाँ पर इतना वैरायटीज़ है बच्चों से लेकर बड़े तक का, आपको हर एक वैरायटी मिलेगा। इसका मैंने सेपरेटली एक व्लॉग बनाया है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत जल्दी मिलने वाला है, वो भी ये इसके बाद मैं डालूँगी, वहाँ भी आप देख लीजिएगा वहाँ पर श्रीराम के अंदर में क्या क्या आइटम्स है और क्या क्या वहाँ मिलता है। आपको ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर आपको डिटेल्स में वहाँ पर बताया जाएगा, वो ब्लॉग मैं जल्दी ही डालूँगी और आप लोगों को यहाँ पर लिंक ज़रूर दे दूँगी, तो इसलिए आप चेक करते रहे। और यहाँ पर जो आप लोग न्यू हैं और हमारा चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए कि आपको आगे आने वाली और प्यारे प्यारे वीडियो ज़रूर से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और रेसिपीज़ आपको सही वक्त पर जल्द से जल्द मिल जाए। इसलिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऑल में। घूमते घूमते हमारा 5 बज चुका था तो हमने घर के लिए भी कुछ आइटम्स लिया है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए और देखिए जैसे कि मेरा बर्थडे था और मेरा फेवरेट मेहंदी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने मेहंदी लगा लिया था। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा एक बार ज़रूर से बताइएगा, इससे क्या होगा मुझे खुशी होगी कि मेरा मेहंदी आप लोगों को पसंद आया या नहीं, तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। तो देखिए मेरा मेहंदी लग गया और ये सुबह जब मेहंदी मैंने उतारने का बाद देखिए मेहंदी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं ऐसे ही कलर चाहती थी या ऐसे डीप कलर चाहती थी पर वो तो हुआ नहीं, बट जितना भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें बहुत खुश थी। तो आप ज़रूर से बताइएगा कैसा लगा। तो उसके बाद तो देखिए मेहंदी लगने के बाद ये शाम के वक्त का है जब मैंने बैंगल्स पहना, मैं बहुत दिन बाद ये बैंगल्स पहनी, मेरा बर्थडे का दिन
पर्पल कलर का मैं ड्रेस भी मैं दिखाने भूल चुकी, वो व्लॉग में वीडियो डालना मैं भूल गई। तो देखिए पर्पल कलर का बैंगल था, बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना अच्छा लगा मुझे, इतना प्यारा लगा कि मैं बताऊँ क्या। और देखिए ये मैंने घर के लिए कुछ ले लिया था, वाह मोमो ले लिया था कि चलिए घर पे खा लेंगे। और ये मेरा बर्थडे केक, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। उसके बाद ये रात का खाना बिरयानी, आई लव इट। किसको किसको पसंद है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते। और ये कुछ छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था, या कहे तो रील बनाया था, आप लोग देखा है या नहीं पता नहीं, एक बार आप ज़रूर से मेरे चैनल में जाकर ये रील देख लीजिएगा। आप लोग जो न्यू हैं आप लोग तो लाइक ही नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा उदास हो जाती हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरा गिफ्ट था कि एक चॉकलेट्स मुझे पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। बस आप लोगों की दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ और मेरे फैमिली भी खुश रहे। बस आप लोग बस दुआ करते रहे अच्छे से, हम अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।